चलो बच्चों, आज आपके टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सी ऑन स्क्रीन, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले एक रेड में आपको नीचे मैंने जानबूझ के एक रेड में एडजस्टमेंट लिखा है, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन कैपिटल रेशो। ये आज जरा अच्छी तरह समझ लो, मीन्स रेशो इज नॉट गिवन टू यू, उनका जो कैपिटल है उसी हिसाब से उनका रेशो होने वाला है। तो देखो, रीना और आरती का कैपिटल है, रीना का 50,000 और आरती का 30,000। तो 50 और 30,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ, सो 440 दोनों का कट हो गया, आई विल गेट 5:3, सो 5:3 रेशो हो गया। तो जब भी आपको रेशो, कैपिटल रेशो बोला जाएगा, तो कैपिटल को लेके आपको उनका रेशो निकालना होता है। आफ्टर दैट, ये दो पार्टनर हैं रीना और आरती, उनका ट्रायल बैलेंस आपके सामने है। लेकिन देखिए, आज के प्रॉब्लम में कोई हिडन एडजस्टमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन तो भी ये ज़रूरी होता है ये देखना कि सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न है क्या प्रॉब्लम में। सो अकॉर्डिंगली हम परचेस और सेल्स को टिक मार्क करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डेबिट साइड में देखूँ तो मुझे सेल्स रिटर्न दिख रहा है, और क्रेडिट साइड में अगर मैं देखूँ तो परचेस रिटर्न भी है। दैट्स वाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए टिक मार्क करना परचेस को और सेल्स को। तो चलिए पहले टिक मार्क कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा है, कोई भी अकाउंट का प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जाओगे, ये आपका पहला अटेम्प्ट होना चाहिए कि एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको ट्रायल बैलेंस के कंटेंट को टिक मार्क करना है। सो पहला टिक किया मैंने परचेस को, सेकेंड टिक किया सेल्स को, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक की वजह से किसी को टिक नहीं होता है, बट आफ्टर दैट फर्दर बैड डेट 900 है, एंड अगेन RDD भी है 1000। तो बैड डेट जब भी आता है तो बैड डेट को टिक मार्क होगा और डेटर को टिक मार्क होगा। सो बैड डेट को टिक मार्क करते हैं एंड सन्डे डेटर्स को टिक मार्क करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अबाउट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3%। आप डेटर्स को 3% का डिस्काउंट दे रहे हो एंड क्रेडिटर को 5% का डिस्काउंट आपको क्रेडिट की तरफ से मिल रहा है। सो टिक मार्क करते हैं डिस्काउंट को। देखो, दो दो डिस्काउंट है। जो डेबिट साइड में डिस्काउंट है उसका मतलब होता है डिस्काउंट अलाउ, हमने जो लोगों को डिस्काउंट दिया है वो, और जो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट होता है इसका मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। और इस प्रॉब्लम में दोनों पे एडजस्टमेंट है, तो मैं दोनों को पहले टिक मार्क कर लेता हूँ। डिस्काउंट जो डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट जो क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव। इसके अलावा डेटर को भी टिक मार्क करना है, लेकिन ऑलरेडी मैंने किया है, तो अब मैं टिक मार्क करता हूँ क्रेडिटर को। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वेजेस 700 एंड सैलरी 800। टिक मार्क करते हैं वेजेस एंड सैलरी को। और लास्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। देखो, लास्ट लेक्चर में इंश्योरेंस 9 मंथ का पे किया था, इसका मतलब टोटल साल में 12 मंथ होते हैं, 9 मंथ का पे किया था, तो 3 मंथ का पे करना बाकी था, इट मीन्स वो आउटस्टैंडिंग था। लेकिन आज के प्रॉब्लम में देखो, टोटल 15 मंथ का इंश्योरेंस पे करके रखा है, इसका मतलब 3 मंथ्स का ज़्यादा पे करके रखा है। जब आप मोर देन 12 मंथ कोई एक्सपेंसेस पे करते हो तो उसे प्रीपेड कहा जाता है। सो आज के लेक्चर में हम प्रीपेड इंश्योरेंस का भी एंट्री देखेंगे। तो टिक मार्क करता हूँ इंश्योरेंस को। और 6 एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। सो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग को। सो इस तरह मैंने ट्रायल बैलेंस में सब कंटेंट को टिक मार्क कर लिया। चलो अभी आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग वन बाय वन बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा यही मेन एम है कि मेरी 5 प्रॉब्लम जब तक हो ख़त्म हो जाए, जब तक मैं 5 प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूँ, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि ट्रायल बैलेंस का ईच एंड एवरीथिंग का पोस्टिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो ऑन स्क्रीन ट्रायल बैलेंस है, सिर्फ टिक मार्क किया हुआ कंटेंट भी है, और ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो जैसे ट्रायल बैलेंस में दिया है उसी ऑर्डर में जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में देखिए, सबसे पहले परचेस है, फिर डेटर है, फिर सेल्स रिटर्न है, ओपनिंग स्टॉक है, बैड डेट है। इस ऑर्डर में हम लोग पोस्टिंग करेंगे। एज यू नो, परचेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, लेकिन इसे मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि उसको टिक मार्क किया है। देन सन्डे डेटर हमारा असेट है, अगेन टिक मार्क किया है, तो मैं इनर में लिखूंगा। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा, सो इनर में मैं क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लेस सेल्स रिटर्न 1000। ओपनिंग स्टॉक आपको अच्छी तरह पता है ट्रेडिंग अकाउंट के,
डेबिट में सबसे पहला आइटम होता है ओपनिंग स्टॉक, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है इनर कॉलम क्योंकि टिक मार्क है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है हमारा, असेट में आएगा इनर कॉलम, फर्नीचर, देखो फर्नीचर को टिक मार्क नहीं है सो 20,000 हमने सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया, देन डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड इनर कॉलम में, देन रॉयल्टीज, लास्ट लेक्चर में भी रॉयल्टी हमने देखा था, रॉयल्टी का मतलब होता है आप अगर किसी ने इन्वेंट किया हुआ कोई इक्विपमेंट या मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो तो उसका सर्टन अमाउंट वो जो भी असेट है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो उस बंदे ने इन्वेंट किया था तो हमको उसका उसका रिवार्ड, उसका रिटर्न उसे देना चाहिए। जैसे मैं हमेशा मेरे लेक्चर में बच्चों को बताता हूँ कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था बिल गेट्स ने, तो आज भी उसका सर्टन अमाउंट बिल गेट्स को मिलता है, दैट इज़ रॉयल्टी। और ये ट्रेडिंग में क्यों आता है, क्योंकि हम मशीन का रॉयल्टी पे कर रहे हैं, सो मशीनरी ऑलवेज कम टू द ट्रेडिंग साइड, सो उसका रॉयल्टी। देन रेंट था, रेंट हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है और टिक मार्क नहीं है आउटर में लिखा, सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस है टिक मार्क है इनर में लिखा, वेजेस ओनली वेजेस है लेकिन टिक मार्क है इनर में लिखा, ट्रेडिंग का ये एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस अगेन ऑफिस एक्सपेंसेस इनर कॉलम 1,500, ड्राइंग आपको पता है लास्ट लेक्चर में ड्राइंग एडजस्टमेंट में था, आज ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में है, ड्राइंग हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो लेस ड्राइंग पहले मैंने पहले पार्टनर का लिख के रखा है और फिर दूसरे पार्टनर का लिख के रखा है, जब उनका कैपिटल आ जाएगा इसके ऊपर मैं लिख दूंगा। देन कैश हमारा असेट है, कैश एट बैंक हमारे बैंक में 11,500 ये हमारा असेट है, और कैश इन हैंड हमारे ऑफिस में जो कैश पड़ा है वो 2,000 है। क्रेडिट साइड में सेल्स है, टिक मार्क है, सेल्स में इनर कॉलम में लिखूंगा, लेकिन देखिए आज सेल्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है सो मैं इसका अमाउंट डायरेक्टली माइनस करके आउटर में लिख देता हूँ 57,200। ऐसे ही सर्टिफिकेटर को टिक मार्क के उसको इनर में लिख दिया, परचेस रिटर्न 500 है, परचेस पे भी और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं उसको डिडक्ट करके आउटर में लिख देता हूँ 35,000। देन आरटीडी मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में जो आरटीडी होता है वो ओल्ड आरटीडी होता है, बैड डेट पे अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसके नीचे आपको एक दो लाइन छोड़ के उसे लिखना होता है, इसे हम बाद में लेस करेंगे, पहले बैड डेट पे और दो एडजस्टमेंट है वो करने के बाद हम उसे लेस करेंगे। देन ये है डिस्काउंट रिसीव, जैसे हम लोगों को डिस्काउंट देते वैसे हमारे सप्लायर ने भी इस प्रॉब्लम में हमें डिस्काउंट दिया है तो उसको भी मैंने इनर कॉलम में लिखा है 50 रुपीज़। देन कमीशन हमें मिला है 250, कमीशन देखो कमीशन भी समझ लो ये डिस्काउंट कमीशन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर डेबिट में दिया है तो आप आंसर में भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखोगे और अगर क्रेडिट में दिया है तो वो रिसीव है वो आपको मिला है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखोगे। आफ्टर दैट कैपिटल, कैपिटल आपका रीना का कैपिटल है 50,000 और आरती का कैपिटल है 30,000। सो इन दिस वे देखिए आज के इस पार्ट वन के लेक्चर में मैंने जो ट्रायल बैलेंस का कंटेंट था वो आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया। जैसे इसके पहले वीडियो में आपने एक प्रॉब्लम दो पार्ट में देख लिया वैसे ये प्रॉब्लम का भी सेकेंड पार्ट जल्द ही आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, बट मैं जानबूझ के एक प्रॉब्लम दो वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि देखो एक स्टूडेंट अगर 10 से 15 मिनट किसी प्रॉब्लम को कॉन्सेंट्रेट करे तो अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, लेकिन अगर वही वीडियो 35-40 मिनट्स का बन जाए तो कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं रहता है, इसलिए आपको हर एक सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आ जाए इसलिए मैं जानबूझ के एक प्रॉब्लम को मिनिमम 2 वीडियोज़ में स्प्लिट करके बता रहा हूँ और आगे भी वही करूँगा। ओके बच्चों तो क्या करना है आपको, ये वीडियो दो दो बार तीन तीन बार देखना है क्योंकि फाइनल अकाउंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिर्फ ये साल नहीं आने वाले बहुत साल में आपको ये सब याद रखना है और इसके बेस पे बहुत सारे अकाउंट आगे सॉल्व करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट, वेरी सून इसका सेकेंड पार्ट आपके हमारे अकाउंट चैनल में आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, जब तक ये प्रॉब्लम चल रहा है तब तक घर पे पढ़ाई करो, वेरी सून वी विल मीट, थैंक यू।